अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बजट 2023-24। बजट का टोटल हजम जो है वो 14,460 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किया गया है। बजट में सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट में दफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कर्ज़ों की अदायगी पर 7,303 अरब खर्च होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। सब्सिडीज़ की मद में 1,074 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पेट्रोल डीजल लाइट ऑयल की कीमतों में कमी का फैसला, एनर्जी प्राइसेस बिजली और गैस की कीमतें कम करने का फैसला, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपये मुकर्रर, कुकिंग ऑयल और खुदनी ऑयल तेल पर सेल टैक्स ख़त्म करने का फैसला, टेक्सटाइल के शोबे रंग और दीगर मुतलका खाम माल पर कस्टमर ड्यूटी ख़त्म, सोलर पैनल की मैनुफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म, डायपर्स की मैनुफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म, ITC मुतलका सामान पर ड्यूटी फ्री आमदनी की इजाज़त, राइस मिल की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म, वफाकी सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहों में 30% एडहाक इजाफे की मंजूरी, सालाना 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़, सालाना 3.5 से 4 करोड़ रुपये कमाने वालों पर 6% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़, सालाना 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये कमाने वालों पर 8% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़, सालाना 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर 10% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़, सोलर पैनल की बैटरीज़ की तैयारी के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म, सोलर पैनल की मशीनरी और इन्वर्टर की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म, Grade 1 से 16 तक के मुलाजमन में 35% इजाफे की मंजूरी, Grade 17 से 22 तक मुलाजमन की तनख्वाह में 30% इजाफे की मंजूरी, रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी, कम से कम मुजरत जो है वो 32,000 करार दी गई है। दोस्तों, ये बजट में पेश होने वाले जितना भी हजम रखा गया है वो टोटल आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे थे।